till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. आपका वैरायटी दूसरा हो जाता है ना, बात को समझो। नहीं नहीं, ऑफिशियल बेस पे समझो ना, मैं बात को समझ रहा हूँ। ऑफिशियल बेस पे लिखा हुआ है वीडियो फोटोग्राफी सब अलाउ है यहाँ पे। वीडियो फोटोग्राफी सब अलाउ है यहाँ पे। फोटो रुको जरा, सबर करो। ये तो अंकल कुछ बात नहीं है, मतलब अभी मैं आपको रुपए देता तो आप बनवा लेंगे। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अग्रसेन की बावली, जिसे अग्रसेन की बावली और रुकुसेन की बावली दोनों ही कहते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ बाराकंबा रोड मेट्रो स्टेशन, जो कि अग्रसेन की बावली से 900 मीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन सीधा ही 900 मीटर पैदल चलकर आ गया अग्रसेन की बावली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अग्रसेन की बावली के मेन एंट्री गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे मेन एंट्री गेट पे, और आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसी है बावली, कैसी बनी हुई है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और मैं आपको पूरा अंदर से सब नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। दोस्तों, अग्रसेन बावली आने का टाइम सुबह का सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम धूप वगैरह कुछ होती नहीं है, और इसका खुलने का टाइम है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो सुबह 9 से 6 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ अग्रसेन की बावली, आगे मैं दिखाऊंगा अंदर जाके। और ये रहा पीछे, और ये सीपी के बिल्कुल बीचों बीच में है, इसे काले पानी का कुआं भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो अभी मैं दिखाऊंगा अंदर क्या क्या चीज़ें है और कितनी गहराई है, गहराई चौड़ाई सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। आप ये देख लो पहले, ये यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में दिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ हिंदी भाई। इसको अग्रसेन की बावली भी कहते हैं और उग्रसेन की बावली भी कहते हैं। देखो मैं इसका नाम दिखाता हूँ, तो भाई मैं आ चुका हूँ एंट्री गेट से होकर अंदर, और अंदर आते ही गार्ड ने मना कर दिया कि वीडियो वगैरह बनानी अलाउ नहीं है, ऐसे कैमरे से क्या मोबाइल से ही बनानी अलाउ नहीं है। तो आगे की वीडियो मैंने छुपा कर बनाई, जो कि उन्हें पता भी नहीं थी, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या उन्होंने बोला और कैसे कहते, मतलब रुपये भी मांगे उन्होंने मेरे से पर मैंने दिए नहीं, मैंने हिडन कैमरे से मोबाइल में छुपा कर उनकी भी वीडियो बना ली। तो अभी आप देखिए कि क्या क्या उन्होंने मेरे से बोला। तो भाइयों, यही है वो अग्रसेन की बावली जिसे महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है इसकी, और क्यों इसे बनवाया था। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर, और इसकी लंबाई है 60 मीटर, और जो इसमें ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो हैं 108 टोटल। तो भाई इसे बनवाया गया था कि जैसे बारिश होती है तो उसका पानी स्टोर करने के लिए, ताकि वो किसी और काम आ सके, मतलब बाद में ज़रूरत पड़े तो वो काम उस पानी को यूज़ में ले सकें। और भाई इसे काले पानी का कुआं भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब ये जो इसमें पानी है वो अपनी तरफ लोगों को खींचता है, पर मेरे हिसाब से वैसा ये एक स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई जो आपको ये रस्सी दिखाई दे रही है, पहले ये नहीं थी पर अभी ये लगा दी, क्योंकि अब इससे आगे जाना अलाउ नहीं है, तो यहीं तक आप जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं छिपके बना रहा हूँ, कोई उन्हें पता भी नहीं है, तो देखते हैं कैसी वीडियो बनती है। भाई मैं बैठा हूँ इस समय, मेरे पीछे आप देख रहे हो बीचों बीच है ये सीपी के, और यहाँ पे आने के लिए पहले आपको जो मेट्रो स्टेशन मिलेंगे वो या तो जनपद का या फिर बाराकंबा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, और राजीव चौक भी बस मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप कभी भी आ सकते हो, बढ़िया जगह। हमने यहाँ पर पहले मतलब इतनी फेमस जगह नहीं थी, पर फिर पी के मूवी की जब से शूटिंग हुई और फिर उसके बाद सलमान खान की सुल्तान मूवी की, तो उस सबसे ये फेमस जगह हो गई है। बाकी मैंने बताई दिया आपको, पानी तो मतलब पानी स्टोर करने के लिए समझ आता है। ये जो गहराई दिख रही है आपको, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये इसलिए है कि मतलब बारिश का पानी स्टोर हो सके। और ये ऊपर देखो 3 मंजिल है ये, और साइडों में इसकी ऐसे ही बना रखी है। पर मैंने एक चीज़ देख ली भाई, गार्ड ऐसे होते हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो क्लिप में भी डालूंगा उस गाड़ी की फोटो, ये 500 रुपये मांग रहा हूँ उससे वीडियो बनाने के, जबकि गूगल पे लिखा हुआ है भाई सारी चीज़ फ्री है, तो एक साथ 500 रुपये मांग रहा हूँ उससे, ये गलत बात है यार। चलो कोई नहीं, फिर मैं आपके लिए वीडियो तो डाल रहा हूँ।
भाई क्या सर लाइक कर दो वैसे ही बड़ी चुप बना हम 500 रुपये मांग रहे थे मुझसे बना नहीं मैंने ना दिया एक भी साल में उससे मांग रहा ऐसे कहते हैं 2007 में ये सुसाइड भी कर ली थी किसी ने पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सुसाइड का कुछ कारण हुआ है क्योंकि 4-5 फीट पानी था बस आप तुम फोटो भी ना खींचने दोगे हाँ ये तो मोबाइल ही देख लो मेरा अभी तो कुछ चलाया भी ना मेरा मोबाइल ही देख लो तुम मेरा मोबाइल ही देख लो तुम मेरा अभी तो कुछ चलाया भी ना हेलो नहीं 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 वो वीडियो बना रहे हो ना मोबाइल वीडियो ही तो दिखा रहा हूँ तुम्हें लो कैमरा दो फोटो खींचे खाली ये 3 फोटो हैं सर एक गिरा एक गिरा एक गिरा बस और लो इसके साइड में देखिए चलो ठीक है यार अब अभी फोटो में भी दिक्कत नहीं नहीं फोटो लेके तो करते हैं करते हो क्यों करोगे मैंने खाली होकर फोटो खींच रहा हूँ क्यों कर गए भाई इस गाड़ी की शक्ल आप ध्यान से देख लो क्योंकि जब भी आप अग्रसेन की बावली में जाओगे ये आपको वहीं मिल जाएगा और ये थोड़ी देर तो आपसे मना कराएगा वीडियो बनाने की और उसके बाद ये थोड़ी देर में आपसे पैसे मांगने आ जाएगा फोटो के लिए तो हम बोल ही दिया कि दोस्तों के लिए इनको अब ऐसा करके मैं ये करके तो ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन वैसे अंकल एक चीज़ बताओ बोलिए ये उसका गूगल पे तो लिखा हुआ है ना क्या कि फोटो वीडियो सब फ्री है फोटो वीडियो सब फ्री हैं आप बात नहीं समझ रहे हो देखो मैं दिखाऊं आपका बात पूछ रहा होगा आपको एक बार उसमें समझा दिया तो नहीं समझ रहा एक चीज़ देखो नहीं नहीं ऑफिशियल पेज पर ना मैं बात को समझ रहा हूँ ऑफिशियल पेज पे लिखा हुआ है वीडियो फोटोग्राफी सब अलाउ है यहाँ पे फोटोग्राफी वहाँ जाकर नोटिस पढ़ो बढ़िया से चलो मैं पढ़ लो वहाँ जाकर जाके नोटिस पढ़ लो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ पढ़ लो उसके बाद आ करके बचेंगे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ वैसे मैं वीडियो बना नहीं रहा हम लोग मेरी बनी लगी बोलते नहीं है आपका और दूसरा में अंतर है ना आपका सूट हो जाता है बात को समझा करो ना बात तो को समझो ना देखो वो भी फोटो ले रहे हैं आप वो भी फोटो ले मैंने आपको अच्छा मैंने आपका फोटो में भी अंतर हो जाता है ना आप तो मैंने आपको यूं करके मतलब गैलरी बोली कि मैं फोटो ले रहा था आपका वैरायटी दूसरा हो जाता है ना बात को समझो ना आप ये तो अंकल कुछ बात नहीं है कि मतलब अभी मैं आपको रुपये देता तो आप बनवा नहीं आप फिर गलत बात बोल रहे हो जाओ परमिशन ले आओ भाई आप तो जिद्दी बन रहे हो तो हमको जिद्दी मत नहीं मैं ये दिखा रहा था कि फोटो खींची मैंने नहीं तो फोटो गला भी आप नहीं देंगे जैसे आओ सब कर रहा है ना तो मैंने गैलरी दिखा दी ना आपको फोटो कर रहा है ना वैसे के लिए हम मना नहीं कर किए वही मैं कह रहा था नहीं आपने सीटी बजाई ना मैंने की वीडियो मगर आप जब अच्छी कर रहे थे तो अंकल मेरा कैमरा ये वाला सफा है तो मैं क्या करूँ नहीं नहीं आप फ्रंट कैमरा जो भी ले लिया चलो कोई बात नहीं तो भाई देख लो 500 रुपये मांग रहे हैं मुझसे वीडियो बनाने के तो मैंने दिए नहीं और हिडन वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई ज़रूर आके देखो अग्रसेन की बावली और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दो कमेंट कर दो और बाकी 500 रुपये ऐसे दलालों को देने की ज़रूरत ना हो चाहे कैसी वीडियो बनाई हो मैं सही कर रहा हूँ कोई दिक्कत ना हो मुझे बताया कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इनकी औकात भी पता पड़ेगी कि 500 रुपये लेके जो बकचोदी कर रहे हैं मुझसे कि 500 ये वीडियो ब्लॉग में ज़रूर अपलोड करूँगा